नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मोटापे को लेकर, कि यदि आपको एक माह के अंदर अपना वजन संतुलित करना है, कम करना है, तो आपको क्या करना है और कौन सा आप नुस्खा आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो है, हमने इसमें, मैं सामग्री आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। ये गरम, ये हमने पानी लिया है, इसमें जो है जीरा है, तीसरा जो है धनिया है, चौथा तेज पत्ता और गरम मसाला है। इसमें से हम कुछ चीज़ें लेंगे। चौथा ये नमक है, नमक आप दोनों तरह का ले सकते हैं, सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास में सेंधा नमक है तो वो भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तीसरा है हमारे पास में शक्कर, जो गुड़ की जो शक्कर है, आपको यदि शक्कर नहीं मिलती है तो आप जो है इसमें गुड़ ले सकते हैं। तो अब आपने दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको इसमें क्या है कि आधा चम्मच जीरा और आधे से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर, आप साबुत धनिया भी प्रयोग कर सकते हैं, हल्का नमक, आप या तो नमक ले सकते हैं या फिर आप शक्कर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जैसे बहुत से लोगों को मीठा पसंद होता है तो मीठा ले सकते हैं, लेकिन मीठे में हमेशा ये ध्यान रखें, या तो आपने गुड़ लेना है या फिर गुड़ की बनी हुई शक्कर आपने लेनी है, लेकिन ये आपने तब लेनी है जब आप इसको गर्म करेंगे। अब हमने इसमें एक तेज पत्ता, दूसरी जो सामग्री है हमने इसमें डालनी है इलायची, बड़ी इलायची, ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें आप दालचीनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसको आप पूरी रात भिगोकर छोड़ दें, अगली सुबह तक आपको, आपने इसको भीगे रहने देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सुबह के समय में हमने देखा, इसे भीगने के बाद जो पाउडर है वो नीचे बैठ चुका है, और जो धनिया है, जो आपका जीरा है, वो ऊपर आ चुका है। इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं यदि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो। अब इसमें हम थोड़ी सी शक्कर, हमें मीठा पसंद है तो हम थोड़ी सी इसमें शक्कर डालेंगे। ज़्यादा आपने मात्रा नहीं करनी है, इसमें थोड़ी ही मात्रा आपने लेनी है। इसके बाद हम इस सामग्री को गैस पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो धीरे धीरे ये सामग्री गर्म हो जाएगी, और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको एक ही सामग्री इसमें डालनी है, या तो आपने मीठा डालना है या नमकीन डालना है, नमक डालना है, दोनों चीज़ें आपने इसमें नहीं डालनी है, नहीं तो ये नुकसान भी कर सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें थोड़ी देर बाद उबाल आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें जो है उबाल आ चुका है, और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो पानी है वो उबलने लगा है। तो सबसे बड़ी जो इसमें विशेषता है दोस्तों, इसमें ये है कि यदि हम इसको एक महीना भी इसे हम नियम से कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ही आपका जो वज़न है वो बहुत शीघ्रता से जो है कम होता है। अभी हमारा जो है इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसको छानकर ग्लास में रखकर ठंडा करके इसको थोड़ा सा गरम गरम, जिसको निवाया बोलते हैं, हम ले सकते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो हमारी ये रामबाण औषधि तैयार है। अब इसको आप सीधा ही जो लोग छान कर पी सकते हैं वो छान कर पिए, और जो लोग इसको ऐसे ही पी सकते हैं वो ऐसे ही पी सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पेट की चर्बी, शरीर की चर्बी सभी को कम करने का नुस्खा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। यदि आप इसको लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 1 माह में बिल्कुल अपना वज़न कम कर सकते हैं। ये घरेलू चिकित्सा है, चिकित्सा शास्त्र की सारी पद्धति है, आयुर्वेद के चिकित्सा अनुसार ये प्रयोग किया हुआ नुस्खा है, इसीलिए दोस्तों आप सभी के सामने ये नुस्खा लाया गया है। आप देख सकते हैं, इसे पानी को पीने के बाद आप जो बची हुई सामग्री है इसको चबाकर भी खा सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही असरदारक नुस्खा है। इस दौरान दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप जो है ठंडी चीज़ों से परहेज करें, ठंडा पानी ना पिएं, बर्फ़ की कोई चीज़ ना लें, और इस तरह की कोई भी ठंडी चीज़ें जो हैं इस दौरान आप सेवन ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जो हमारी चिकित्सा शास्त्र के ऊपर आधारित है? तो पहले कोई भी प्रयोग करने से पहले सही से परखे जांचे, यदि उसके कोई आपको नुकसान नहीं है तो ही उसको प्रयोग करें। और दोस्तों ये सामग्री है, मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूँ, ये सब हम घर में प्रतिदिन मसालों में यूज़ करते हैं, तो इनका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, आज की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।